हेलो एवरीवन, आज एक और वीडियो लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स का बैकग्राउंड क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी एटिमोलॉजी क्या है, कौन कौन से लॉज, कौन कौन सा जो थर्मोडायनेमिक्स में डेवलपमेंट हुआ वो कब कैसे हुआ। तो इसी तरह से उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूँगा आज। तो आज के वीडियो का जो कंटेंट है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसमें सबसे पहला जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करना है, उसके बाद सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बारे में मैं डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक दो तरह की होती है। एक होती है जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, और एक होती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहते हैं क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक बात करते हैं, जो एज ए सिस्टम एज ए होल एनालिसिस करते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिकुलर लेवल पे एनालिसिस करते हैं। जबकि हम जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की तो उसमें हम मॉलिकुलर लेवल की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेके उसकी एनालिसिस अगर करें तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारा मेजर कंसर्न है इस सब्जेक्ट में वो है हमारा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में सबसे पहले देखिए कि प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर हम जनरल बात करते हैं कि किसी की भी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर अपनी अगर मैं बात करूँ, किसी भी इंसान की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उस इंसान के बारे में हम बताते हैं कि इसका हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका कलर क्या है, जो भी उसके बारे में उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम बता रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से अगर हम किसी सिस्टम को लें उसके बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो बात करता है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, पहले किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्पेस को या पर्टिकुलर मास को पहले वो फिक्स करता है जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिस पे हमें स्टडी करनी है उसी हम सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये आगे का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि हम उसको जो प्रॉपर्टीज में उसको जोड़ सकें। तो बेसिकली जिस सिस्टम की हमें बात करनी है, उस सिस्टम को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक तब तक हम नहीं बता पाएंगे जब तक उसके बारे में हमें ये ना पता हो कि सिस्टम कैसा है। सिस्टम के बारे में बताने के लिए हमें सिस्टम कैसा है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का प्रेशर क्या है, सिस्टम की कंडीशन, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी मोमेंट उस सिस्टम की क्या कंडीशन है, जब तक हम नहीं बता पाएंगे तब तक हम उस सिस्टम के बारे में आगे बात नहीं कर सकते। तो जो प्रॉपर्टी हो गई उसे अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी किसके लिए है, प्रॉपर्टी एक तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम बताते हैं। तो ये सबसे बेसिक या सबसे जो एलिमेंटल पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं कहूँगा वो कोऑर्डिनेट्स, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं उसे मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट्स। तो इंडिविजुअली एक्स और वाई हमारे लिए क्या हो गए, ये प्रॉपर्टीज हो गए हमारे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के लिए। इसी तरह से अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में आऊंगा तो जो भी उस, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमें दो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी, दो प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ी। इसी तरह से किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी अगर हमें बतानी होगी तो उस, या सिस्टम के बारे में हमें बताना होगा तो उस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। कोई भी सिस्टम अगर है, जैसे अगर मैं इसी क्लासरूम की बात करूँ, इस रूम में जो गैसेज है या ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जो पूरी गैसेज हैं अंदर की, जो जो जिसको मैं सिस्टम दे रहा हूँ, अंदर का जो स्पेस हो गया वो हमारा सिस्टम हो गया। इसके अंदर जो गैसेज हैं उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, इस पूरे रूम का वॉल्यूम, जो भी इसके अंदर एनर्जी है, ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। अगर मैं इस रूम के बारे में बताना चाहूँ किसी को इस रूम की थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या है, तो मैं पहले इस रूम का टेम्परेचर बताऊँगा, उसका प्रेशर बताऊँगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस तभी आप कर पाओगे जब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। दीज बेसिक इन्फॉर्मेशन आर नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉपर्टीज अगर हम किसी बारे में बता रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा कि हम किसकी प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। जहां हम लोकेट करें, जहां हमने बताया कि इसको हमें स्टडी करना है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। जिस पर्टिकुलर रीजन में या किसी भी एरिया को हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा
पार्ट है या ये हमारे रीजन है या ये हमारा मास है जिस पे हम स्टडी करेंगे उसे मैं कहूंगा सिस्टम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इस क्लासरूम, में जितना भी गैसेस हैं या जो भी रीजन है, ये रीजन हमारा सिस्टम हो गया। एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, बाहर की दुनिया हमारे लिए सराउंडिंग है। इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं या सिर्फ बाउंड्री कहते हैं। इसके बाद जो बात आती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आने से पहले मैं सिस्टम को थोड़ा और डिस्क्राइब करूं। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टाइप जो होता है क्लोज्ड सिस्टम, जो दूसरा टाइप का सिस्टम होता है वो होता है ओपन सिस्टम, जो थर्ड है वो होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको सिस्टम की बात की थी, तो सिस्टम हम ऐसे बुक में आपको देखेंगे, चाहे वो नाम की बुक हो, पीके नाथ साहब की बुक हो, चाहे संजय साहब की बुक हो, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक में देखेंगे तो आपको सिस्टम की दो तीन डेफिनेशन मिलेंगे। उसमें से जो एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज दी प्रेस्क्राइब्ड बाउंड्री और रीजन इन स्पेस अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड, जैसा हम कहते हैं। या मैं दूसरे अंदाज में कहूंगा, सिस्टम इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिस्टम इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड। दो चीजें आपको यहां समझ में आई डेफिनेशन से, एक प्रेस्क्राइब्ड बाउंड्री मैंने कहा या रीजन इन स्पेस। अगर मैंने रीजन डिफाइन कर लिया, ठीक है, एक रीजन डिफाइन कर लिया, जैसे ये रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन को मैंने सिस्टम कहा, इसका मतलब हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई केस है तो मैं इसे कहूंगा कि कंट्रोल वॉल्यूम। क्या कह रहा हूं? कंट्रोल वॉल्यूम। अगर हमने रीजन फिक्स किया, इसका मतलब हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे रीजन, ऐसे डेफिनेशन अगर इस तरह से दी जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम मास को फिक्स नहीं कर रहे हैं, उस सिस्टम की आइडेंटिटी को फिक्स नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि मास सिस्टम से आ जा सकता है, मास ट्रांसफर जो है जीरो नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह की मैं एक सिस्टम की बात करूं जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसके हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसका मतलब मैंने एक सिस्टम लिया, उसका रीजन जो है वो फिक्स नहीं किया, बल्कि ये रीजन नहीं है, ये क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, रीजन एक्सपैंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी है, जो आइडेंटिटी है सिस्टम की, वो फिक्स हो गई। इसका मतलब ये है कि मास का ट्रांसफर है वो जीरो है, यहाँ पे मास का ट्रांसफर जीरो नहीं था, मास आ सकता है जा सकता है, क्योंकि मैंने स्पेस फिक्स किया था, रीजन फिक्स किया था। जब आप रीजन फिक्स करोगे तो मास अंदर आ सकता है जा सकता है, और जब आप क्वांटिटी फिक्स करोगे, किसी पर्टिकुलर मास को, मैटर को फिक्स करोगे, तो मास अंदर आ बाहर नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में मास का एक्सचेंज नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, इसका मतलब एनर्जी इंटरेक्शन है, जीरो नहीं है, एनर्जी इंटरेक्शन है। तो मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी आ रही है या जा रही है। इसी तरह से यहाँ से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन है, यहाँ मास का इंटरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ मास का इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम जब हम क्वान्टिटी ऑफ मैटर के हेल्प से डिफाइन करेंगे तो वो सिस्टम कहलाएगा हमारा क्लोज सिस्टम। अगर मास का इंटरेक्शन, जहां पे मास का इंटरेक्शन नहीं था, यहां पर मास का इंटरेक्शन है, एनर्जी का इंटरेक्शन है, दोनों का इंटरेक्शन अगर है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। एक थर्ड केस होता है जिसमें क्या हो गया, यहां पे अगर मैं कहूं कि ये सिस्टम है, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें ना तो मास का इंटरेक्शन है ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन है, इसका मतलब ऐसे केस में सिस्टम क्या हो गया, बिल्कुल आइसोलेट हो गया, किसी से मतलब ही नहीं है इसको कि सराउंडिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा जो भी सिस्टम है हम उसी में घुस हैं, ऐसा केस अगर है तो इसका मतलब ये है आइसोलेटेड केस है। आइसोलेटेड सिस्टम को, या जो ऐसा सिस्टम है जिसमें मास का इंटरेक्शन नहीं, एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं सराउंडिंग के साथ, इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीनों केस हो गए आपके सिस्टम्स के। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको बताए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जैसे हमने कहा था कि प्रॉपर्टीज जो होती है सिस्टम के अंदर, जैसे किसी भी गैस, इस रूम के अंदर जो गैस है, इसको अगर हमने सिस्टम लिया, तो इस गैस में बहुत सारा पूरा वॉल्यूम जो है, बहुत सारा वॉल्यूम है, तो सारे गैसेस का टेम्परेचर अगर अलग अलग है, इसका मतलब आपस में ही अगर टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम को हम किसी भी प्रॉपर्टी से लोकेट नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम के अंदर किसी तरह का प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए अगर हमें थर्मोडायनामिक एनालिसिस करनी है तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए। कोई भी सिस्टम की हम एनालिसिस करें, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा अजम्पशन अंडरस्टूड है। अगर मैंने माना कि सिस्टम का टेंपरेचर टी है तो ये अंडरस्टूड है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी रीजन है सारे रीजन का टेंपरेचर टी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन हर जगह का टेंपरेचर टी हो गया। इन जनरल ऐसा हर जगह नहीं होता। मान लीजिए मैं कहूं कि सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, अगर मैंने कहा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आने के लिए तीन कंडीशन होती है। वो तीनों कंडीशन क्या क्या है चलिए देखते हैं एक एक करके। पहली कंडीशन क्या है कि सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा, तीसरा है जो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो रही है किसी सिस्टम की तब हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव किया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल मतलब कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर से लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये बॉडी देखिए एक तो मैंने कंडीशन बता दी कि थर्मोडायनामिक्स में जब हम सिस्टम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी टेम्परेचर ये प्रेशर ये वॉल्यूम ये जो भी है मैंने प्रॉपर्टी जो लिखी है एंथैल्पी इंटरनल एंट्रोपी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने अगर यहाँ लिखा, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी मोमेंट की प्रॉपर्टी लिखी है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूरे सिस्टम के अंदर थ्रू आउट द रीजन थ्रू आउट द वॉल्यूम थ्रू आउट द स्पेस क्या होगा सबकी टेम्परेचर टी होगा, इनके अंदर आपस में वेरिएशन नहीं होगा। सिस्टम अंदर से भी इक्विलिब्रियम में इंटरनल इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं, तो ये अगर कंडीशन है और ये होनी ही चाहिए तभी हम बात आगे कर सकते हैं। ये है उसके बाद क्या है सराउंडिंग आ गई, ये सिस्टम है और बाहर की दुनिया हमारी क्या है सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी है और इसका टेम्परेचर टी डैश है तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा, टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से जिसका टेम्परेचर कम है उसकी तरफ हीट आएगी और जब हीट आएगी और आपको पता है हीट तभी आती है जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को जब यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो हीट आएगी। अब हीट की वजह से क्या होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब ये पहले इंटरनल इक्विलिब्रियम में था, अब जैसे हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ तो यहाँ अब सिस्टम के पास का जो रीजन है उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा, लेकिन अंदर क्या होगा अंदर भी पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले पूरा सिस्टम क्या था इंटरनल इक्विलिब्रियम में था थर्मल इक्विलिब्रियम में था, अब जैसे ही आपने कहा हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ तो जो सिस्टम के जो बाउंड्री के पास का रीजन है उसके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, और जैसे हीट ट्रांसफर होगा क्या होगा यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, इसका मतलब बाकी रीजन के बीच में और यहाँ के बीच में एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंटरनली जो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था जो बीच में ग्रेडियंट नहीं था आपस में वो डेवलप हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक में इंटरनल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आइडियल जो एनालिसिस हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा टेम्परेचर अगर टी है तो टी रहे, अगर टी डैश हुआ तो पूरे रीजन का हर जगह का टेम्परेचर टी डैश हो जाए। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर की हम बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं मैकेनिकल वर्क से जुड़ा हुआ है, कहीं कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा सिस्टम में, इसका मतलब तभी हम कह सकते हैं या फिर हम उसको दूसरे अंदाज में कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ प्रेशर। अगर ये है तब हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब इक्वालिटी ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तभी हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर था इस लेक्चर में हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो देखा वो ये देखा कि प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज के जनरल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज तो वो है जिसकी बेसिस में हम सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं, सिस्टम के बारे में बताते हैं। इन जनरल ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जिसकी बेसिस पे हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये छह हो गए। दो जो जनरली केमिकल थर्मोडायनामिक्स में यूज होती है जिसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं या एनवोल्ट फंक्शन कहते हैं, तो टोटल एट थर्मोडायनामिक जो ये प्रॉपर्टी जनरली यूज में है। इस तरह से इस थर्मल प्रॉपर्टी को फर्दर डिफाइन करते हैं, दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे।
तो ये बात, इसके बारे में जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।